इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D आप सबको पसंद है गाइस, इसलिए मैं आज आपको पांच ऐसे और गेम्स बताने जा रहा हूं जो कि सेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D जैसे ही है, और उन गेम्स में भी बहुत सारे अलग अलग चीट कोड्स हैं, जैसे कि भाई एलिफेंट, फ्लाइंग बाइक, ये सब गाइस। तो इसलिए आज मैं आपको वही सब बताने जा रहा हूं। वीडियो को गाइस लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम्स, तो हमारे सामने ये पूरी लिस्ट आ जाती है जिसमें सबसे पहला गेम है इंडियन कार बाइक ड्राइव GTA 4, और ये बिल्कुल ही सेम दिखता है बंदा, जो इसका बंदा है गाइस आप देख सकते हो, एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर है हमारे जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में है, कपड़े तक बिल्कुल सेम पहने है इसमें। पूछा किसी ने नहीं पूछा, खुद ही वीडियो भाग भी बिल्कुल सेम रहा है यार, बस इसके हाथ पैर थोड़े तेज चल रहे लेकिन स्पीड इसकी सेम ही है। भाई गेम तो यार बिल्कुल HD में बनाया है इसमें, इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का और अल्ट्रा HD वर्जन है ये। थैंक्स। और ये बंदा जो है इसका घर भी काफी ज्यादा बड़ा है यार, बहुत ज्यादा अमीर है ये वाला कैरेक्टर। और इसका स्विमिंग पूल आप देखो गाइस, ये इसके घर का स्विमिंग पूल है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी 5-स्टार होटल का स्विमिंग पूल हो, इतना बड़ा है ये। बहुत पैसा है अपने पास। क्या घर है यार इसका, बाहर भी देखो इतनी सारी कुर्सियां रखी है, लेकिन इसमें बैठने का ऑप्शन नहीं है गाइस, बिल्कुल इंडियन बाइक जैसे। और बेडरूम इसका ऊपर वाले फ्लोर पे है, और इस गेम की खासियत ये है कि इसमें भाई TV भी ऑन हो जाती है, जो कि इंडियन बाइक में अभी तक नहीं आया है। तो इसमें एक ही चैनल चलता है जो कि हम लोग चालू कर सकते हैं। भाई यार सही है यार, आप कार्टून भी देख सकते हो इसमें बिल्कुल। बाहर हमारे घर के बाइक भी खड़ी रहती है, और ये पता नहीं कौन सी बाइक है लेकिन काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह। ये मुझे तो यार देखने में ZX10R लग रही है, बस इसका कलर अलग है। और देखो कार और बाइक की जो आवाज है ये भी बिल्कुल सेम है जो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में आती है। हमारी सिटी की जो बिल्डिंग है ना ये थोड़ी सी अलग है बस, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं आपको अभी ऐसी दिखाऊंगा जो आपने इंडियन बाइक में देखी होगी, जैसे कि ये रैम भाई हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में भी है, जो रेड वाला रैम्प है। इसके बगल में भी जो सर्कल वाला रैम्प है ये भी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में। हमारा बंदा बस थोड़ा सा अलग गिरता है इस वाले गेम में। ये रैम्प देखो, ये तो आप सबको मालूम ही होगा यार, ये कैसे भूल सकते हो, ये बड़ा वाला रैम्प हमारे फ्रंट ट्रैक के बगल में ही रहता है। और ये भी है, ये रैम्स भाई हमारे मेगा रैम के बगल में कंटेनर वाले रैम्स भी हैं इस गेम में। और ये पार्किंग लॉट आपको मालूम होगा, ये हमारे इंडियन बाइक के पुराने वर्जन में होता था जो कि हटा दिया गया था। भाई मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद है यार। चलो आओ मैं अपना फोन दिखाता हूँ आपको, इसमें भी एक फोन है गाइस। इस गेम में फोन जो है वो ब्लू कलर का रहता है, लेकिन इसका कलर आप चेंज भी कर सकते हो। इसमें आपको इनबॉक्स भी रहते हैं और चैट भी रहते हैं, भाई सब है, बस वो एक ही रहता है लेकिन। और इसमें भी चीट कोड है गाइस, और अगर आप ध्यान दोगे ना तो कॉन्टेक्ट में आपको माइकल और ट्रेवर के कॉन्टेक्ट भी दिखेंगे। फोन की पूरी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि वॉलपेपर हो गया, रिंगटोन हो गया, थीम हो गया, और वाइब्रेशन मोड हो गया, और कलर तक आप यहीं से चेंज कर सकते हो फोन का। और यार इसमें कैमरा तक है, जिसकी वीडियो मैंने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में भी बनाई थी। भाई ये कैमरा इसमें है भाई पहले से। यार इंटरनेट भी है और क्या चाहिए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा इंटरनेट खुलेगा। चलो मैं इस गेम में इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D सर्च करके देखूं क्या, लेकिन यार इधर सर्च का ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। चलो आओ इसमें गन देखते हैं गाइस, इसमें गन है ना थोड़ी अलग भी है, जैसे कि पिस्तल अगर आप देखोगे ना ये सब की आवाज बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें भाई UMP भी है यार। UMP मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इसकी। और अगर आप फिर AKM की आवाज देखो तो ये भी आपको बिल्कुल सेम दिखेगी। और शॉटगन भी यार इसमें, शॉटगन किसको नहीं पसंद गाइस, ये सब इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में भी आना चाहिए। और इसमें जो स्नाइपर है ये अलग है इंडियन बाइक वाली से, इसका जो स्कोप है ना ये बहुत ही अलग दिखता है यार। इसके बस NPC है ना अलग है, और NPC को जब मारो तो थोड़ी अलग सी आवाज निकालता है, जैसे कि उल्टी कर रहा हो, और 2-4 मुक्के में ये भी गिर जाता है। खत्म। कार से जो NPC आते हैं ना इनको मार के देखते हैं। ये देखो ये भी सेम इंडियन बाइक जैसा बाहर निकला सीधा, और गायब ही हो गया भाई, उसमें थोड़ी देर रहता है ये तो पता नहीं कहाँ चला गया। इसमें ग्लिच होता है क्या इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D जैसे? हाँ यार होता है भाई, देखो दोनों ऑप्शन में बैठा मैं बाइक और कार में, तो हमारा सेम ग्लिच हो गया।
हमारी पता नहीं वो वाली गाड़ी चल रही है कि नहीं, लेकिन बंदा देखो कैसा बैठ गया है। अब आते हैं चीट कोड पे, क्योंकि चीट कोड इस गेम में भी है और बहुत खतरनाक खतरनाक है। जैसे कि अगर आप 4502 डालते हो ना गाइस, तो आपको हाथी मिल जाता है भाई चलाने के लिए। इतना बड़ा हाथी आप चला सकते हो यार गेम में, और ये आवाज भी निकालता है अगर आप ऑप्शन दबाओगे तो। यार मतलब सबको कुचल के निकल जाएंगे, इतना बड़ा हाथी है ये। इस गेम में यार नाइट मोड तक है, मतलब ये जो गेम है ना इंडियन बाइक से बहुत 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 ज्यादा मिलता है। बस थोड़ा और अच्छा हो सकता था अगर इसकी सिटी और अच्छी होती तो, गेम प्ले और अच्छा होता तो। हमारा अगला गेम है इंडियन बाइक्स एंड कार्स गेम 3D, और ये गेम में भाई बहुत अलग चीज है। इसमें आपके पास खुद की गर्लफ्रेंड है। मेरे को जाना पड़ेगा। ये देखो आपके पास अपना एक पालतू कुत्ता है जो कि साथ में घूमता है पूरे टाइम, और अपनी गर्लफ्रेंड भी है भाई। इस गेम में अलग क्या है, इसमें एक ट्रैम्पोलिन है, हमारे पास स्विमिंग पूल है, लेकिन भाई इसके कंट्रोल जो है ना ये थोड़े खास लगे नहीं मुझे। थोड़ा सा यार बहुत मेहनत करके दबाना पड़ेगा आपको हर चीज। और ये हेडफोन पहन के पानी में कैसे चला गया, हेडफोन इसके खराब नहीं होंगे। ये देखो ये फिसलता भी है यार, ये क्या है, ये बार बार मेरे पीछे क्यों घूम रही है। इसको लात मारते हैं हम लोग यार, ये शायद नीचे गिर जाएगी। मार के देखूं, नहीं यार आर पार निकल गए। इस गेम में यार ये क्या है गाइस, लिफ्ट भी है भाई। हमारे घर के ऊपर जाने के लिए इस गेम में लिफ्ट बनाई है, और इस गेम में आपको पैराशूट भी मिलता है। अगर आप नीचे कूदोगे ना तो आप भाई पैराशूट खोल के नीचे जा सकते हो। ये देखो बस यार पैराशूट बहुत ज्यादा स्लो है। और अगर आप घर के बाहर जाते हो ना भाई वापस जल्दी आना। और आपके फोन में चीट कोड तो है इसमें, लेकिन ये सब चलाने के लिए आपको एड देखने पड़ेंगे। हमारा अगला गेम है इंडियन बाइक्स एंड कार्स ड्राइविंग 3D, और इसकी फोटो तो भाई बिल्कुल सेम लगाई है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D जैसी। ये क्या है, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है। रुको जरा सबर करो, बस इसका घर अलग है लेकिन बंदा तो यार बिल्कुल ही सेम है पूरा ऊपर से नीचे तक। बस एक चीज अलग है, ये चल कैसा रहा है, ऐसे कौन चलता है भाई। इतनी सी हाइट पे नीचे आने के लिए तू नीचे गिर गया, और फिर ये क्या कर रहा है पैदल। मुझे सेफ नहीं लग रहा ये बंदा, इसलिए मैं इसको ना गाड़ी में लेके चलता हूँ गाइस। क्योंकि सिटी देखो आप, सिटी बिल्कुल सेम है, सिटी की जो बिल्डिंग है ये पूरी सेम है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D जैसी। ये बीच में देखो पार्क भी है इधर, ये रैंप भी दिख गया हमें जो अभी हमने दूसरे गेम में भी देखा था। फोन में देखते हैं क्या क्या है भाई, कपड़े भी बिल्कुल सेम है यार ये तो, सारे चड्डे भी सारे सेम। लेकिन इस गेम की सबसे अच्छी चीज ये है कि 4-4-4 की चीट कोड डाल दो ना तो आपको गाइस फ्लाइंग बाइक मिलती है, जो कि इंडियन बाइक में अभी तक नहीं आई है। तो ये फ्लाइंग बाइक उड़ा के भाई आप बिल्कुल उड़ सकते हो, लेकिन यार फ्लाइंग बाइक ऐसी बनाइए कि जमीन से ज्यादा ऊपर जाती ही नहीं। ओ चूना लगा दिया। देखो इस वाले गेम में भी वो वाली पार्किंग है जो कि इंडियन बाइक से हटा दी गई है गाइस। स्टिकी बॉम्ब भी है इसमें, लेकिन यार बहुत ज्यादा खराब लगे मुझे देखने में। एक चीज और है इसमें भाई, मॉली है, मोलोटोव कॉकटेल है हमारे पास, जो कि बॉटल रहती है जिसको आप फेंको ना तो आग निकल जाती है उसमें। इसमें वो चीज है लेकिन अच्छे से नहीं बनाई है, आग तो लगी नहीं रहा कि आ रही है कहीं से भी। और ये पहला गेम देखा मैंने जिसमें भाई इमोट भी है इंडियन बाइक जैसा। वाह यार, मतलब इंडियन बाइक में अभी तक नहीं आया गाइस जिसमें यार हमारा बंदर डांस करता है अलग अलग। और एक और चीट कोड मैंने देखी इसमें अभी, 7070 से भाई इनविजिबल बाइक आती है यार, लेकिन इनविजिबल बाइक बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं लगी मुझे, ये तो दिख रही है हमें साफ। हमारा अगला गेम जो है वो है ओपन वर्ल्ड इंडियन ड्राइविंग गेम, और ये तो पूरा ही अलग हो गया यार। इसकी फोटो जो लगाई थी और ये जो गेम निकला, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। चीटिंग करता है तू, और इसमें शायद रोड पे थार चल रही है। अरे पास आया तो भाई ये तो कोई जीप निकली, दूर से ऐसा लग रहा था कि थार है। और ये एक सेकेंड, ये रैम तो भाई उसमें भी था और इंडियन बाइक में भी है, और भाई ये क्या है गाइस। अगर आप ध्यान दोगे ना तो ये सेम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D का ही मैप है। ये देखो ये जो रैम्प है ना, ये हमारे इंडियन बाइक में भी रहता है और यही सड़क रहती है। अगर इसके पीछे एयरपोर्ट हुआ, वो देखो वो रहा भाई, सेम एयरपोर्ट भी वहीं पे है। मतलब कि यहाँ से अगर हम आगे जाएंगे तो एक सड़क राइट की तरफ जाएगी और वहाँ पे एक सर्कल वाला पार्क भी रहेगा। भाई सड़क तो मिल गई मुझे, पार्क अगर मिल गया ना तो बिल्कुल सेम हो जाएगा गाइस। ये रहा यार, नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। बिल्कुल सेम, बस देखो हमारा जो ओल्ड हाउस है ना वो वहाँ पे नहीं है, बाकी हर बिल्डिंग सेम है। और अगर हम लोग सीधे जाएंगे शायद तो यहाँ पे मुझे रेलवे ट्रैक भी मिल जाएगा जहाँ पे ट्रेन खड़ी होगी। यार इधर कुछ तो है, देखो ये रैम तो है, बिल्डिंग है लेकिन ट्रेन नहीं है।
लगता है ट्रेन डाली नहीं गई है लेकिन पूरा स्टेशन रेडी है गाइस। जुरासिक पार्क तक है यहाँ पे, लेकिन मुझे लग रहा है अगर ट्रेन नहीं है ना तो फिर जुरासिक पार्क में डायनासोर भी मुश्किल है। देखते हैं थोड़ा आगे चल के। वैसे यहाँ पे NPC यार बाइक्स भी चला रहे हैं। ये रहा हमारा जुरासिक पार्क का गेट, ये थोड़ा अलग है। अब ये क्या हुआ भाई, ये कौन ठुक गया मेरे से आके? अच्छा इधर NPC पुलिस वाले भी हैं, ये सड़क पे ही चलते रहते हैं, ये भी सही है। गोली चला के देखते हैं हम लोग यार। गोली का ऑप्शन तो वैसे आ रहा है लेकिन ये चल क्यों नहीं रही? ये देखो, ओ भाई एक गोली में मर गया। अच्छा ये थोड़ा वैसे वाला गेम है गाइस जिसमें आपको ऐड देखना पड़ता है हर छोटी चीज के लिए। तो इधर हमें हेल्थ बढ़ाने के लिए भी ऐड देखना पड़ेगा, दूसरी गन चाहिए तो उसके लिए भी ऐड देखना पड़ेगा। ये देखो पेट्रोल पंप भी है यार इधर, उसी सेम जगह पे जहाँ पे हमारी इंडियन बाइक में रहती है। अच्छा ये मेगा रैम पे क्या, वो जो ऊपर से आ रहा है वहां से समझ नहीं आ रहा था, यहाँ से दिख रहा है मुझे। देखो मेगा रैम भी ऐड किया हुआ है, हर चीज जो इसमें आ सकती थी ना वो सब चीज सेम की सेम डाली गई है गाइस। अरे ये रैम भी है गाइस, हमारा रोल ऑन वाला रैम भी ये तक है इसमें, मतलब कि इसका अपडेट भी जस्ट अभी आया होगा क्योंकि रोल ऑन वाला रैम तो अभी आया था। और ये मतलब होगा फिर हमारा कार शोरूम, लेकिन कार शोरूम के जगह यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई है। और NPC भी इधर देखो नंगा घूम रहा है, लग रहा है ऐसा लग रहा है ना ये टैटू है कि टी शर्ट है भाई। और इसको लग नहीं रहा क्या, ये कैसे चला रहा है भाई मुक्के, मार तो जरा। और हमारा फिफ्थ और आखिरी गेम है गाइस इंडियन गैंगस्टर ड्राइविंग 3D। और ये गेम सबसे आखिरी में इसलिए क्योंकि भाई इसके कंट्रोल्स, ग्राफिक्स और UI सब सबसे लास्ट में, ये सबसे आखिरी मिलता जुलता गेम है ये इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D से। इसमें बस जो चीजें है ना वो सेम है, लेकिन इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D से ये नहीं मिलता है। जैसे कि इसका बंदा अलग है, गाड़ी अलग है, घर अलग है, सिटी अलग है, कंट्रोल्स अलग है, हर चीज अलग है, बस मोबाइल सेम है। कांग्रेचुलेशंस। और चीट्स इसमें है, लेकिन भाई चीट्स इसमें आपको खुद ही गेम में मिल जाती है गाइस। चलाने पे भी गेम प्ले में मुझे कुछ खास लगा नहीं, उतना खास मजा आ ही नहीं रहा चलाने में। इसमें NPC का बस थोड़ा अलग सिस्टम है गाइस, जैसे ये NPC भाई इसके कपड़े बहुत अलग नहीं लग रहे, और इन आंटी को तो भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये देखो मुक्के पे मुक्के मारते जा रहा हूँ भाई, सीधे खड़ी है बस, तो मुक्के लग भी रहे हैं कि नहीं मेरे, क्योंकि मेरी हेल्थ तो जा रही है। और एक इधर हिटमैन भी घूम रहा है भाई, जिसके देखो हाथ में ना गन है, तो ये शायद हमें गन से भी मारेगा, हो सकता है ये पुलिस वाला भी हो। और ये देखो मैंने सुपरा मंगाई है गाइस, लेकिन चलाने में मैंने बोला ही था कि मजा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है इस गेम में। तो ये थे इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D जैसे 5 गेम्स गाइस, लेकिन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है। मैं अपनी बताऊं तो भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारे गेम्स मैंने देखे ना तो मुझे समझ में आया कि भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D इनसे हर चीज में ऊपर है, ग्राफिक्स से लेके गेम प्ले तक, चीट कोड तक। तो इसलिए भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D मेरे लिए बेस्ट है। आपको कमेंट बताना कि आपको सबसे अच्छा गेम कौन सा लगता है, और वीडियो को लाइक कर देना और ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की। और अगर मेरी पिछली वीडियो देखनी हो आपको तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, देख लो उसे दबा के।